दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या फिर मेडिकल इमरजेंसी आप पड़ी है या फिर आपने कई जगह से लोन के लिए अप्लाई किया है और रिजेक्शन आपको देखने को मिला है तो एक बार इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले टर्म्स कंडीशन जान ले, कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से लोन प्रोवाइड कराती है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे और आपकी क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम देने वाले हैं और साथ ही साथ इस एप्लीकेशन के अंदर एक अपडेट्स भी देने वाले हैं। बहुत बड़ा अपडेट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके दोस्तों नहीं देखिएगा। दोस्तों लोन अप्लाई करने से पहले हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोन क्यों लेना चाहते हैं या फिर लोन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वाकई में कहीं ना कहीं आपको पर्सनल लोन्स की ज़रूरत है, 1,000, 2,000, 50,000, 25,000 अगर वाकई में जरूरत है पैसों की तो ही आप किसी भी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई किया करिए, सोच समझ के ही लोन्स के लिए अप्लाई किया करिए। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, जो भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होते हैं वही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर किया जाता है जो कि भविष्य में कभी भी बदली जा सकती है। तो चीज़ें ध्यान से समझिए, कौन सी एप्लीकेशन है, किस तरह से वर्क करती है और वीडियो के आखिरी में आपको ये भी बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन का अपडेट्स क्या है। अपडेट्स बहुत बड़ा है, शुरू से लेकर अंत तक जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस एप्लीकेशन के बारे में बहुत से लोगों को पता भी होगा, जिन्हें नहीं पता वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले ले लीजिए। दोस्तों अगर आपको पर्सनल लोन्स की रिक्वायरमेंट है, मेडिकल इमरजेंसी या पड़ी तो ऐसे कंडीशन में मिनिमम 1,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। यह भी डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करने वाली है। आपको दोस्तों यहाँ पर जानकारी के लिए बता दें, मिनिमम यहाँ पर 61 दिनों से लेकर मैक्सिमम 180 दिनों का समय दिया जाता है लोन भुगतान करने के लिए। यह भी डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट के एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो 5 मिनट के अंदर में ही आपका यहाँ पर पता चल जाता है कि भैया आपको अप्रूवल मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बात कर लेते दोस्तों यहाँ पर फटाफट इंटरेस्ट चार्जेस के बारे में, तो 12% से लेकर 36% तक सालाना चार्ज करने वाली है। किसी तरह का कोई पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो सारे प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और आप डिजिटल लोन घर बैठे ले सकते हैं। कहीं बैंक ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, कम से कम डॉक्यूमेंट में आपको दोस्तों लोन मिल जाते हैं। काफ़ी लोगों सवाल होते हैं, क्या ये एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन फंडिंग करती है क्या? तो एक्चुअल में एप्लीकेशन ये वाकई में एक रजिस्टर्ड फॉर्म के जरिए से ही दोस्तों लोन सर्व करने वाली एप्लीकेशन है। ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे, बस वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहें। यहाँ पर देख सकते हैं अपोलो फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड द्वारा एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के जरिए से ही आपको लोन फंडिंग करी जाती है। लोन एग्रीमेंट से लेकर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पेपर भी आपको आपके ईमेल के ऊपर भेज दिए जाते हैं, तो आपको एक तरह से EMI में ही लोन भुगतान करने का समय आपको मिल जाता है। लोन भुगतान करने के लिए बड़े आसानी से आप EMI में लोन को भुगतान कर सकते हैं। मिनिमम आपको यहाँ पर 2 महीने को समय मिलता है लोन भुगतान करने के लिए। दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोसेसिंग फी के बारे में, 3% से लेकर 12% तक चार्ज कर सकती है प्लस में GST के साथ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रोसेसिंग फी के बारे में। किसी तरह का कोई हिडन फी आपसे नहीं ली जाती है और ना ही लोन अप्लाई करने से पहले आपसे किसी तरह का कोई एडवांस चार्ज करती है। दोस्तों घर बैठे पर्सनल लोन आप ऑनलाइन इस एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं, आप किसी भी चीज के लिए लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमारी बात आती है इस एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से हम लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। इसके बारे में पहले फटाफट पहले समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप सैलरीड प्रोफेशनल है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, दोस्तों आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका भारत का नागरिक होना इम्पोर्टेंट है, इनकम का सोर्स होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल हो सकते हैं किसी भी लोन अमाउंट के लिए। अब हम फटाफट बात कर लेते हैं, वही डॉक्यूमेंट की बात भी यहाँ पर कर ही लेते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या लगने वाले हैं यहाँ पर आपको बता दें, आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड, इस 2 डॉक्यूमेंट के ऊपर यानी कि KYC डॉक्यूमेंट के ऊपर आप घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी 60,000 रुपये तक का लोन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, किसी तरह का कोई सैलरी स्लिप देने की जरूरत नहीं है, ना कोई पेपर वर्क करने की जरूरत है,
ना किसी तरह का कोई इनकम प्रूफ आपको दिखाने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आधार पैन के बेस पे ही आप यहाँ पर मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर। ध्यान रखिएगा, अगर आपके सिविल स्कोर 720 से ऊपर है तो आपको यहाँ पर किसी भी लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी मिल सकती है। इन फ्यूचर अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत आ रही है, पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प ले सकते हैं। तो सिंपल एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना है और कुछ KYC डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल शेयर करना होगा, पर्सनल ईमेल आईडी शेयर करेंगे, साथ साथ कितने का लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो आप बताएंगे। लास्ट में KYC डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, जिसमें कि आधार और पैन कार्ड। जैसे आपको अप्रूवल मिल जाती है, आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना होता है। बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करने के साथ साथ आपको बताना होगा कि आप कितने लोन अमाउंट लेना चाहते हैं। ये बात हो रही है लोन एलिजिबिलिटी मिलने के बाद। तो ये सारे प्रोसेस जानने के लिए, किस तरह से लोन्स के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से हमें लोन्स लेने हैं, किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, किस तरह से साइन अप करेंगे, किस तरह से रजिस्टर्ड करेंगे एप्लीकेशन के अंदर में, वो सारे प्रोसेस मैंने एक वीडियो में कम्प्लीटली बता रखा है। डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। खैर, ये बात की बात है दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा था फेयर मनी लोन एप्लीकेशन के बारे में। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एप्लीकेशन ये वर्क नहीं कर रही थी। 1 फरवरी के बाद से आपका एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगी। अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर होंगे तो आपको जरूर पता होगा, इस एप्लीकेशन को लेकर इन्फॉर्म भी आपको किया था एक वीडियो के माध्यम से, और बताया गया था कि इस एप्लीकेशन के जरिए अभी के दौरान में लोन नहीं ले सकते हैं, लोन सर्व नहीं कर रही है। अब यहाँ पर 1 फरवरी हो चुकी है, अब ये एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। ये थी एप्लीकेशन की अपडेट्स, जो कि जानना काफी इंपॉर्टेंट सभी लोगों के लिए है। दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन को पहली बार देख रहे हैं, जिन्हें नहीं पता उनको सारी इन्फॉर्मेशन मतलब मैंने लगभग प्रोवाइड आपको करा दिया है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अभी तक आप यहां पर देख सकते हैं 3.7 के साथ एप्लीकेशन ये रेट करती है, और दोस्तों राइट साइड में देख सकते हैं 50 लाख से ऊपर एप्लीकेशन को अब तक डाउनलोड कर लिया गया है। तो एक रजिस्टर्ड फॉर्म है जिसके जरिए से आपको घर बैठे पर्सनल लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशन के ऊपर किस तरह से लोन्स के लिए अप्लाई करने हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ ही आपको दिखाई गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आए होंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अलावा भी और भी ऐसे एप्लीकेशन है जो आधार पैन के बेस पे आप मैक्सिमम लोन के साथ साथ मैक्सिमम लोन टर्म की सुविधा भी आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी आप EMI में ही लोन का भुगतान कर सकते हैं। आधार पैन के साथ लोन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ लोन लेकर दिखाया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आए होंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।